देखो ये पराली का मुद्दा जो है ये एक स्टेट का नहीं है मुद्दा, ये नॉर्दर्न पूरे नॉर्दर्न इंडिया का है। इसके लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, प्रधानमंत्री जी अगर यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, ऐड आती है ना पापा, युद्ध रुकवा दिया था मोदी जी ने, तो यहाँ का धुआं नहीं बंद करवा सकते। बैठाओ सारी स्टेटों को, बिठाओ, बुलाओ और कंपनसेशन दो, कोई उसके नतीजे साइंटिस्टों को बुलाओ। पंजाब का किसान नहीं चाहता, पहली बात तो धान भी चाहता है कि मैं ना उगाऊँ, पानी नहीं है हमारे पास, वाटर लेवल जो है हमारा नीचे चला गया, लेकिन कोई अल्टरनेटिव फसल जो है वो कहाँ से, उसकी MSP नहीं मिलती। तो बड़े शानों शौकत से हम कहते हैं इस बार 180 लाख मीट्रिक टन धान जो है पंजाब सेंट्रल पूल में देगा। यहाँ तक तो शाबाश अन्नदाता, लेकिन 180 लाख टन की पराली भी तो आएगी, तब कहते हैं उस पर पर्चा करो, उसको पकड़ो, उसको कंपनसेशन डैमेज, उसका जुर्माना करो। दिल्ली तो पता नहीं पंजाब का धुआं आता है पता नहीं ना, वे तो NGT के जो रिटायर जज थे उन्होंने बोल भी दिया था कि पंजाब का कोई लेना देना नहीं। पहले तो जब हम आग हमारे यहाँ पराली को लगती है, उस किसान के खुद के और उस पूरे गांव के फेफड़ों में से निकलती है ना, वो कोई कार्बन मोनोडाइऑक्साइड से तो सांस नहीं लेते, लेते तो ऑक्सीजन से ही है ना, लेकिन उसके लिए बैठना पड़ेगा। ऐसे मीटिंगें करके आ जाते हैं, अब मेरी मीटिंगें हुई हैं बहुत सेंटर के साथ, जी प्रेरित करो, ने कहा जी कंपनसेशन दे दो, कुछ इंडिया गवर्नमेंट दे दे, कुछ पंजाब गवर्नमेंट दे देगी, उनको बोलेंगे कि ये आपका कंपनसेशन है, आग नहीं लगानी है। नहीं जी पैसा नहीं है, प्रेरित करो, प्रेरित तो फिर भाई साहब पता नहीं कितने सालों से बसों पे लिखा हुआ है दुल्हन ही दहेज है, दो ही काफ़ी और ही माफ़ी, क्या जनसंख्या हो गई कम कंट्रोल में, क्या कोई दहेज लेना बंद कर दिया किसी ने, प्रेरित करना क्या है यार, तो आप जो प्रैक्टिकल बात करो अगर करनी है तो। इसीलिए हम बहुत कुछ करें, हमने 125,000 मशीनें दी हैं इस बार, और NGO से बात करके, और कुछ किसान हमारे, सभी किसान नहीं चलाते, 75 लाख एकड़ हमारा, 75 लाख हेक्टेयर हमारा धान आता है, उसमें से लगभग 40 लाख नहीं जलाते, उनको भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि दूसरों को भी करिए, हो जाएगा कम। और एफर्ट्स में हम कोई कमी नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के भी जो आते रहते हैं हमें गाइडलाइंस, हम फॉलो करते हैं। तो आने वाले दिनों में हम तो चाहते हैं कि हमारा, हमें तो गुरु नानक साहब ने सदियों पहले लिख दिया था वाणी में, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, पवन हवा, पवन को गुरु का दर्जा, पानी को पिता का दर्जा और धरती को माँ का दर्जा, कि ये तीनों दर्जे कायम रखने, तो रखने हम तो ग्रंथ में, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ, हम तो इसके मतलब विश्वास रखते हैं कि हम गुरुओं की वाणी को, उनके वचनों को हम फॉलो करें।